फ्रेंड्स, आज हम शेयर मार्केट की बात करेंगे। जो भी बिगिनर है, लाइक सर्विसमैन है, जिसको शेयर मार्केट में इंटरेस्ट है और शुरू करना चाहता है, जो भी कोई भी स्टार्ट कर सकता है, स्टूडेंट हो जिनके पास अच्छी खासी सेविंग्स है, जिनको शेयर मार्केट में शुरू करना है, उनको सबसे पहले अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ता है। और डीमैट अकाउंट जिसमें आप शेयर्स बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो, और उसके साथ आपको एक सेविंग अकाउंट होता है, वो लिंक करना पड़ेगा। जो भी आपने सेल किया, बाय किया, तो वो फंड आप सेविंग अकाउंट से डीमैट में ट्रांसफ़र कर सकते हो, डीमैट से सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो। उसके बाद ट्रेडिंग में लगभग तीन टाइप्स होते हैं, इंट्राडे, डिलीवरी और इंट्राडे और डिलीवरी बिगिनर्स के लिए उतना ही काफ़ी है। इंट्राडे क्या होता है, हम अभी बाय किए शेयर्स और इमीडिएट उसको सेल किए, तो वो होता है इंट्राडे। और डिलीवरी क्या होता है, अभी आपने बाय कर दिए सेल और उसको 2 दिन रखे, 5 दिन रखे, आपको जितना टाइम रखे उतना आप रख सकते हो, तो होता है डिलीवरी ऑप्शन। फ्रेंड्स, आई वॉन्टेड टू गिव यू वन जेन्यून एडवाइस, आप आपका रोलिंग का पैसा इसमें बिल्कुल ना लगाए। आपके पास अगर कोई सेविंग है, आपके पास कोई एक्स्ट्रा मनी है, वही पैसे से आप शेयर मार्केट शुरू करें। और आपके पास अगर 10,000 है, तो शुरुआत में आपको सिर्फ 3,000 ही इन्वेस्ट करने हैं। उसके बाद अगर शेयर्स बढ़ता है तो अच्छा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है, बट अगर वो शेयर्स डाउन हो रहा है तो आपको और एवरेज करने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपके पास हैंडी पैसे होने ज़रूरी है, तो एक साथ आप पूरा बिल्कुल सब पैसा यूज़ मत करो। फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ देना जैसे आपके पास 10,000 है और आपने एक ही साथ पूरे 10,000 के शेयर्स बाय करते, और ऐसे कुछ इवेंट्स आते हैं, इवेंट्स बोलो या कुछ ऐसे मौके आते हैं जब मार्केट अचानक बहुत सारा पॉइंट नीचे गिर जाता है। जैसे ब्रेक्जिट फॉलोआउट हुआ था, मीन्स इंग्लैंड में ये हुआ था, तभी अपना इंडियन मार्केट क्रैश्ड ओवर 500-600 पॉइंट्स, फिर सेंसेक्स क्रैशेस ओवर 500 पॉइंट्स एज इंडियन आर्मी क्लेम सर्जिकल स्ट्राइक ऑन पाकिस्तान। सो और ऐसे कुछ टाइम में मार्केट अचानक गिर जाता है और फिर हम फ्रस्ट्रेशन में आके पूरा लॉस कर देते हैं। और भी कहीं कुछ इवेंट्स है, जैसे US प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, वो टाइम पे भी हमारा इंडियन मार्केट क्रैश हुआ था, काफ़ी सारा क्रैश हुआ था। तो ये कुछ खरीदारी के मौके भी होते हैं। समझो आपने 5,000 का ही स्टॉक्स खरीदा है और ऐसा कुछ इवेंट आया, तो इमीडिएट आपको डाउन में शेयर्स मिलेंगे, आप बाय कर सकते हो, अच्छा एवरेज कर सकते हो और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो सकता है। शेयर्स का डिसीजन या शेयर्स का चॉइस करते टाइप आपको टाइम काफ़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपका खुद का स्टडी भी होना ज़रूरी है, आपको एक्सपर्ट्स की राय भी लेना ज़रूरी है। आप गूगल या कोई मनी कंट्रोल साइट पे आप उसका वो जो भी कंपनी का शेयर्स खरीदना चाहते हो उसका हिस्ट्री देख सकते हो। जैसे एक एग्जांपल के लिए मैंने एक स्पाइस जेट का स्टॉक यहाँ आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखो, अभी मैं उसका एक साल का ग्राफ देखता हूँ, तो एक साल पहले ये शेयर था 74 रुपीज का। इंडियन गवर्नमेंट में काफ़ी सारी अभी एविएशन पॉलिसी आई है अच्छी अच्छी, तो ये स्टॉक लगभग बूम हुआ है, डबल आज के डेट में उसका डबल कीमत हुआ है। यही है। बट और एक दूसरा एग्जांपल भी दिखाता हूँ आपको, ये लूपिन है। अगर एक साल पहले आप इसका प्राइस देखते तो अराउंड 1500 के आसपास था, बट आज ये अराउंड 800 के आसपास है। तो इसीलिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आपका पैसा एक साथ शेयर मार्केट में ना लगाए। तो ये टाइम के आपको ऐसा जब शेयर्स गिरता है तो आप उसको रिकवर कर सकते हो, रिकवरी में काम आएगा। बस यही है कुछ टिप्स, अच्छे स्टॉक सिलेक्ट करो, अगर कुछ थोड़ा लॉस में जाता है तो आप उसे होल्ड करो। पेशेंस बहुत ज़रूरी है मार्केट में, आप पेशेंस रखोगे तो काफ़ी अच्छा आप फायदा कमाओगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप दिस टिप्स विल बी हेल्प यू अ लॉट, और आप अच्छे से ट्रेडिंग करोगे और फायदा कमाओगे। थैंक यू। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। मैं शेयर मार्केट रिलेटेड और काफ़ी ऐसे ओवरऑल मैंने ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियो डाल डाल दिए हैं, जो आपको काफ़ी डे टू डे लाइफ में यूज़ होगी। थैंक यू।